500 बच्चा खेलता था। ये क्या हो रहा है? 500 जो बच्चा, अभी आप क्या कह रहे थे? 500 बच्चा क्या कह रहा था? बताओ ना, मैं बताता हूँ, आप भी बताओ ना, आप भी तो खेलना तो है ना आपने भी। क्या कह रहे थे ऋषि? मैं तो कह गया हूँ, आप लोग तो बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप ही हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, जोर लगाना पड़ रहा है उन लोगों को। डोमेस्टिक क्रिकेट में और क्या मतलब, और क्या चीज अच्छी हो रही है, और क्या आप लोग पिचेस कैसी मिल रही है? देखिए मुझे पर्सनली बहुत सब सही है, सब जिस तरह जा रहे हैं, छह टीमों का जो स्ट्रक्चर है, आई थिंक दैट्स वेरी गुड। जो कम्पेटिटिवनेस है, मैंने पहले भी बोला है कि वो बहुत बढ़ गई है, वो जो वीक लिंक्स थे वो खत्म हो रहे हैं। तो मैं पहले भी यहाँ डोमेस्टिक खेलता हूँ, इस दफा भी खेल रहा हूँ, तो एक अच्छा है कि वीक लिंक्स नहीं है। नहीं तो कई टीम ऐसी आ जाती थी कि जो कुछ प्लेयर्स होते थे वो स्कोर कर जाते थे आराम से उनकी वीक टीमों के खिलाफ, लेकिन इस दफा ऐसा कुछ नहीं है। तो इस दफा हर बंदे को स्कोर जो कर रहा है वो अच्छे स्कोर कर रहा है और अच्छी टीमों के साथ, बॉल जो है वो पूरा इस्तेमाल हो, बिल्कुल ठीक बॉल, और लड़के सही जान लगा रहा है उसमें, फास्ट बॉलर्स को सर जान लगा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको ठीक होने में अभी, लेकिन क्या है ये वर्क इन प्रोग्रेस है। काफी देर से हम डूप वगैरह कर रहे थे बॉल प्रोग्रेस का, वो बहुत मुश्किल था, बॉलर्स को जोर नहीं लगाना पड़ता था, अब क्या हो रहा है शायद भी जोर लगाना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो 10 साल की आदत है, ये दो साल के अंदर अंदर ये बहुत अच्छा इनको बॉलिंग करनी आ जाएगी। स्पिनर्स निकल रहे हैं, पहले आप देख लें कि स्पिनर्स होते ही नहीं थे, अब आप देखें कि स्पिनर्स हाईएस्ट विकेट टेकर है, तो अपनी टीम को नहीं, अगर इस बार वैसे फर्स्ट क्लास की जो भी रिपोर्ट आई, जो भी प्लेयर से बात हुई, सबने पॉजिटिव, अच्छी बात है। हाँ गुली, गुड टू सी यू यार, जबरदस्त, दोबारा फर्स्ट क्लास में फॉर्म चल रही है, मजेदार, बहुत जबरदस्त, तगड़ा फील कर रहा है, तगड़ा फील कर रहा हूँ, खेल ही रहा। अच्छा, और फिटनेस फिटनेस कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर अकमल की फॉर्म कैसी चल रही है भाई? उमर अकमल तो जबरदस्त, ये तो एवरग्रीन है, ये एक कब कम होगा? इंशाल्लाह कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अहमद भाई ने बड़ा मोटिवेट किया, अहमद भाई हुआ है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पूरा सीजन में ना मुझे ऐसा लग रहा था दैट ही वाज रियली फोकस्ड। अच्छा, आई कैन बी रॉन्ग, बट मेरी पर्सनल, मुझे ये बताओ, ये अहमद जब ये पाकिस्तान टीम से निकल जाते हैं फिर ये फोकस क्यों करते हैं? पाकिस्तान टीम में रह के फोकस क्यों नहीं करते? नहीं तो अहमद को तो ना कहते। मैं जवाब दूं, मैं बोलूं, पाकिस्तान टीम में भी मेहनत करते हैं और यहाँ पे भी करते हैं, होता वही है जो मुझे अल्लाह को मंजूर है। मेरी शाहिद भाई आखिरी जो 5 ओवर किए ना उसमें मेरे 4 आउट है, 5 ओवर जो किए हैं उसमें 4 आउट किए मैंने, देख लें। शनिवार ने जो 70-60 किए, शनिवार माशाल्लाह रन किए भाई, 70 रन किए, अभी किसके खिलाफ किए हैं? दो मैच, एक मैच में फॉलो ऑनर थे, 2 छक्के दिए, वो मैच खराब करवाए। फवाद आलम, फवाद ब्रेडमैन, हमारे डोमेस्टिक पहले ड्रामे का पूछ रहे हैं, पहले ड्रामे का पूछ रहे हैं, क्या ड्रामों में आ रहे हो आजकल? खरीद नहीं, अभी तो क्रिकेट बाकी है तुम्हारी, एक सिटकॉम किया था बस और कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद दोबारा कोई रोल तो मिला होगा? नहीं, बाद में तो कुछ करना है शायद, क्रिकेट के बाद भी तो कुछ करना है। अच्छा, शायद लेटर ऑन में भी कुछ ना कुछ आ जाओ, मैं आ जाओ, कौन है प्लेयर बैडमिंटन वाला? यही नहीं,
دہی سکا بچے دہی سکا تو کہ دوسرا کدھر ریکٹ منگواؤ نا یار سلطان بھائی اچھا ریکٹ کدھر ہے ریکٹ روم بڑا منڈے کا ریکٹ لے کے آؤ نا اندر سے تلا Yeah.
4 12 4 उम्र के साथ खेलेंगे तो नेक्स्ट नहीं नहीं आप तो माशाल्लाह वर्ल्ड लेवल है जुनेद खान चिड़िया चिड़िया थैंक यू वर्ल्ड नंबर वन है ना वर्ल्ड लेवल थैंक यू उम्र के लिए कबूतर है नहीं उम्र के लिए ना उम्र के कबूतर ये उम्र के लिए मैंने पिंजरा बनाया उम्र पिंजरे में डाल दिया ऐसी खड़ा हो जाए इधर तो आए इधर तो आए चेक कर गुली को चेक कर यार आपकी सर्दी रोकी क्यों दो क्यों अच्छा मुझे भी नहीं वो बच्चों को दिखाए बच्चे क्या झूले उमर गुल और उमर वैसे उमर तुम्हारी उम्र है भी झूलों की अगर उमर नहीं तो हरकत है झूलों वाली उमर उमर पकड़ा करिए शायद क्या कर रहे थे मैं बच्चों की बात अच्छी ठीक है एंटरटेनमेंट है काश ये घर मेरा होता उमर इसका अनवर जी आपका अपना घर है ये अहमद भाई जान के मारा आपने अल्लाह की कसम मुझे पता था तो और क्या नहीं